नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च और मटर वाला चिकन। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या लिया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शिमला मिर्च और मटर वाला चिकन। तो देखिए हमने हरा मटर छील लिया हूँ, इधर हमने दो शिमला मिर्च काट के लिया हूँ, दो प्याज, एक टमाटर, यहाँ पे प्याज का पेस्ट है, यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, यहाँ पे एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी सूखी मिर्च और 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर। और इधर देखिए हमने देखिए चिकन को धो के रखे हो। अब चिकन में हल्दी नमक मिला लेते हैं। इधर देखिए हमने कढ़ाई भी चढ़ा दिया हो, तो चलिए कढ़ाई में तेल ऐड कर देती हूँ। देखिए हम चिकन में हल्दी नमक मिला देते हैं, तो पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच तेल, मैंने हर चिकन में हल्दी नमक मिला लिया हूँ। तो चलिए अब तेल गरम हो गया, तेल गरम हो गया था, मैंने चीनी डाल दिया हूँ 1/2 चम्मच। तो जब हमारा चीनी ऊपर आ जाएगा गोल्डन कलर होके, उसके बाद हम प्याज को डाल देंगे। सही गोल्डन कलर हो गया, इसमें हमने प्याज डाल दिया हूँ। तो चलिए प्याज को अच्छी तरह से भूंज लेंगे। देखिए प्याज गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, थोड़ी सी भूंज लेंगे, उसके बाद हम प्याज का पेस्ट को डालेंगे। तो चलिए थोड़ी सी भूंज लेते हैं। थोड़ी सी भूंज लिया हूँ, तो चलिए अब प्याज के पेस्ट को डाल देंगे। देखिए हल्के हल्के तेल भी ऊपर आ गया है। तो चलिए प्याज के पेस्ट को डाल देती हूँ। देखिए मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया हूँ, अब अच्छी तरह से हम भूनेंगे। तो हल्दी नमक, अब देखिए मैं हल्दी पाउडर और नमक और सूखी मिर्च को भी डाल रही हूँ। आपको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक मसाला में तेल ऊपर आ जाए। उसके बाद हम शिमला मिर्च, मटर और टमाटर को भी डाल देंगे। मैंने मसाला को अच्छी तरह से भून लिया हूँ, मसाले में हल्के हल्के तेल भी ऊपर आ गया है। तो चलिए अब शिमला मिर्च को डाल देती हूँ। शिमला मिर्च और मटर, टमाटर तीनों को डाल देंगे। उसके बाद हम अच्छी तरह से भूंज लेंगे तीनों को। उसके बाद हम चिकन डालेंगे। तो चलिए इन तीनों को अच्छी तरह से भूंज लेती हूँ, 2-3 मिनट के लिए भूंजेंगे। तो देखिए मैंने भूंज लिया हूँ 2-3 मिनट के लिए। देखिए हल्के हल्के किनारे में तेल भी आ गया है, ये देखिए किनारे में हल्के हल्के तेल भी आ गया है। अब चलिए चिकन को डाल देती हूँ। चिकन के साथ मैं अच्छी तरह से भूंजूंगी। देखिए मैं जीरा पाउडर धनिया पाउडर डालना भूल गई थी, मैं जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो चलिए अब चिकन को अच्छी तरह से भूंज लेंगे ढक ढक के। तो देखिए मैं जीरा पाउडर धनिया पाउडर डाल दिया हूँ। तब चलिए भूंज लेते हैं अच्छी तरह से चिकन को। मैं ढक ढक के चिकन को भूंजूंगी। ये देखिए, तो चलिए अब हल्की सी पानी डालूंगी बिल्कुल। अब चलिए ढक ढक के भूंज लेती हूँ। देखिए चिकन को भूंज लिया हूँ ढक के, और एक बार ढक देती हूँ जब तक ना हल्की सी तेल लों पर आ जाए। चलिए अब ढक्कन और एक बार लगा देती हूँ। चिकन भूंज गया है, देखिए चिकन में हल्की सी तेल भी छोड़ चुका है। तो चलिए मैं अच्छे एक हल्की सी पानी डाल दूँगी। इसे पानी डाल देते हैं, देखिए चिकन खूब सुंदर भूंजते भूंजते उबल गया है। मिला दिया हूँ, चलिए देखिए चिकन कितना सुंदर उबला है। जब अच्छी तरह से खोल जाएंगे उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से खोला लिया हूँ फुल आँच में। अब गैस की फ्लेम को हमने मीडियम में कर दिया हूँ। तो अब हरा धनिया डाल देती हूँ। चलिए अच्छी तरह से इसको मिला लेती हूँ। देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लूँगी, थोड़ा सा खुला लेती हूँ।
कि मैंने खुला लिया हूँ तो हमारा मटर शिमला मिर्च वाले चिकन बिल्कुल बन के तैयार। तब गैस को बंद कर देते हैं। शिमला मिर्च और मटर वाले चिकन बिल्कुल बन के तैयार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।